SA 570 इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे से देख लेना। सर क्या बोल रहे हो, SA 570? मैंने बोला हाँ सर, गोइंग कंसर्न वाला SA है ये। जस्ट अ सेकेंड सर, SA 570। हाँ सर, गोइंग कंसर्न वाला SA हमारा। सर इंडिकेटर्स बता दो। सबसे पहले तो गोइंग कंसर्न के सबसे पहले होते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से जिसको देख के अपने को पता चल जाएगा कि जो कंपनी की हालत है वो बुरी हालत है। सबसे पहले क्या, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, यानी कि जो कंपनी के रेशियोज है ना, वो ये बता रहे हैं कि कंपनी की हालत बुरी है, कंपनी ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी, यानी कि करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो जितने होने चाहिए उतने हैं नहीं। उसके बाद नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कंपनी का जो कैश है वो नेगेटिव में जा रहा है। सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट पे कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रही है। उसके बाद आते हैं सर ऑपरेटिंग इंडिकेशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर डिफिकल्टीज। फॉर एग्जांपल हमारे लेबर ने स्ट्राइक कर दी। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज, यानी कि रॉ मटेरियल्स जो हमको चाहिए वो मार्केट में उसकी कमी पड़ गई है। इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटेटर, यानी कि मेरे को टक्कर देने के लिए मेरा कोई कॉम्पिटेटर आ गया। लॉस ऑफ की कस्टमर और सप्लायर, यानी कि जो कस्टमर जो हमसे माल खरीदता था और सप्लायर जो कि हमको माल देता था, वो उससे अब हमारा रिश्ता टूट गया, उसका लॉस हो गया सर, ठीक है, यानी कि वो अब हमारे हाथ से चला गया है। अगला बात क्या है सर, अदर इंडिकेटर्स। अदर इंडिकेटर्स यानी कि लॉ में कोई चेंज आ गया जिसके कारण एंटिटी को एडवर्सली अफेक्ट करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल पहले हम टोबैको बेचते थे, अब यहाँ पे एक चेंज आ गया कि भैया टोबैको अब नहीं बेच सकते, ऐसा लॉ कोई बन गया। नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कंपनी ने लॉ को अगर तोड़ा और कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसके कारण कंपनी जो है ना पैसा नहीं दे पा रही है, यानी कि देखो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स रिजल्टिंग इन क्लेम्स दैट एंटिटी इज अनेबल टू सेटिस्फाई। मिटिगेशन फैक्टर्स क्या है, यानी कि कैसे कंपनसेट आप कर सकते हो। सबसे पहली बात तो अगर तो नेगेटिव कैश फ्लोज है ना आपके, तो आप क्या कर सकते हो ना सर, पैसा आपको खड़ा करना है। कैसे खड़ा करोगे, या तो आप असेट्स को बेच दोगे, रीशेड्यूल करोगे अपने लोन पेमेंट्स को, यानी कि लोन वालों को समझाओगे कि प्लीज मेरे को थोड़ा टाइम दो, मेरे नेगेटिव कैश फ्लो है तो मैं बाद में आपको पैसा दे दूंगा, या तो फिर आप ऑब्टेन करोगे एडिशनल कैपिटल डेट या इक्विटी के द्वारा। सर लॉस ऑफ प्रिंसिपल सप्लायर्स अगर आपके हो गए ना, तो आप कैसे मिटिगेट करोगे, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ सप्लाई, यानी कि आप रॉ मटेरियल चेंज कर दोगे, सोर्सेस ऑफ सप्लाई अपने बदल दोगे, तो आपको जो प्रिंसिपल सप्लायर का लॉस है ना वो इतना नहीं परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका सप्लाई का सोर्स ही कुछ और है। क्वेश्चन टू पे आ जाओ। एबीसी कंपनी फाइल कर रही है लॉ सूट अगेंस्ट अनलकी कंपनी 5 करोड़ रुपए का। अटॉर्नी ऑफ अनलकी कंपनी, यानी कि जो लॉयर है ना अनलकी कंपनी का, वो क्या बोल रहा है कि सूट तो बिना कोई मतलब का है, विदाउट मेरिट है। तो अनलकी कंपनी डिस्क्लोज कर रही है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ सूट इन नोट्स। एज एन ऑडिटर ऑफ अनलकी हाउ विल यू डील। देखो सर क्या होगा ना, AS 29 के हिसाब से कंटिंजेंट लायबिलिटी को मेरे को डिस्क्लोज करना पड़ता है, और प्रोविजन जो है ना उसको मेरे को बनाना पड़ता है बुक्स में, यानी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब कभी भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है मेरे को कि हाँ भैया प्रोविजन बनाने की जरूरत है। अब SA 570 जो मेरा है गोइंग कंसर्न वाला, वो क्या बोल रहा था, अभी मैंने आपको अदर इंडिकेटर्स में दिखाया था कि पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रहा है जिसके कारण कंपनी का क्या केस है ना सर, कंपनी इज अनेबल टू सेटिस्फाई, यानी कि जो क्लेम है ना कंपनी इज अनेबल टू सेटिस्फाई, कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है। इधर वही है सर, लॉ सूट चल रहा है 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब ऑडिटर कभी भी कंक्लूड कर रहा है ना कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज एप्रोप्रिएट, लेकिन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे केस में ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्राइब कर रही है क्या वो प्रिंसिपल इवेंट्स जिसके कारण गोइंग कंसर्न पे डाउट आ रहा है, यानी कि वो प्रिंसिपल इवेंट्स दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, यानी कि वो चीजें जिसके कारण कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में है और मैनेजमेंट उन चीजों के साथ कैसे डील कर रही है, ठीक है। और वो क्या देखेगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर बराबर हुआ है कि नहीं, वो मटेरियल अनसर्टेनिटी का। जब कभी भी क्या होगा सर, मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी। अब सर समझ लो कंक्लूजन क्या है, ऑडिटर है ना सोर्स डेटा इवेल्युएट करेगा विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर ओपिनियन, यानी ऑडिटर ने कोई भी ओपिनियन बनाया तो वो देखेगा कि उसका सोर्स डेटा क्या है। अगर तो उसको कोई अनसर्टेनिटी मिल रही है ना, तो वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि टू मेक अ प्रोविजन ऑफ एक्सपेंस ऑफ 5 करोड़, और अगर तो मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑडिटर क्वालिफाई कर देगा रिपोर्ट। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ना सर, ये क्वेश्चन में जो कंपनी वाले ना अनलकी कंपनी वाले, वो बोल रहे हैं हम डिस्क्लोज कर देंगे नोट्स में, लेकिन नहीं सर ऑडिटर उनको क्या बोल रहे हैं सर कि आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन अगर आपने नहीं बनाया ना सर, सुन लो सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, क्या बोल रहा हूँ सर, अरे यार प्रोविजन अगर नहीं बनाया गया ना, देखो सर तो क्या कर देगा ऑडिटर, हमारा क्वालिफाई कर देगा ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो ये सारी चीजें डिटरमाइन करे। ऑडिटर की जिम्मेदारी कि वो ये सारी चीजें डिटरमाइन करेगी, जो प्रिंसिपल इवेंट्स है वो बताए गए कि नहीं कि बताए गए, मैनेजमेंट ने प्लान कैसे किया है उसके साथ डील करने को, और डिस्क्लोजर बराबर है कि नहीं मटेरियल अनसर्टेनिटी का, ठीक है सर। उसके बाद आज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो सर, सिस्टम को आज ही हैंग होना था आपके एग्जाम के टाइम पे, माफ कर दो सर, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन लो सर। उसके बाद अगला जो पॉइंट है ना, वो MCQ के रूप में आ सकते हैं, तो फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। सर क्या बोल रहा हूँ सर, सेल ऑफ ऑल फिक्स एसेट्स, यानी कंपनी ने ना सारे के सारे फिक्स एसेट्स बेच दिए, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न एजम्पशन खतरे में है, हो सकता है कि सारे एसेट्स आउटडेटेड हो गए हो इसलिए बेच दिए हो। तो कभी भी अगर आपको MCQ में देखे ना कि सारे फिक्स एसेट्स बेच दिए, तो जरूरी नहीं है ये हमारे गोइंग कंसर्न एजम्पशन को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा बात, फ्यूचर कैश फ्लो एज लोन फ्रॉम वाइफ एंड लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट्स ऑफ कंपनी इज नॉट अ मिटिगेटिंग फैक्टर फॉर गोइंग कंसर्न, यानी कि
मान लो कि कोई कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है सर, तो कंपनी के डायरेक्टर की वाइफ ने अगर प्यार से लोन दे दिया है ना, तो इसका मतलब ये मैं नहीं मानूंगा कि ये मिटिगेटिंग फैक्टर है गोइंग कंसर्न का, यानी गोइंग कंसर्न अभी भी आपका खतरे में है, खाली एक वाइफ से लोन मिल रहा है वो मिटिगेशन फैक्टर नहीं है गोइंग कंसर्न का, बस इतने बात को आपको क्या रखना है सर, ध्यान रखना है। अगली बात सर, क्वेश्चन नंबर 4, देयर वाज अ कंपनी, बैंक स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग कैपिटल टू दैट कंपनी, बैंकों ने पैसा देने से मना कर दिया, प्रोडक्शन रुक गया, कंपनी को भयंकर लॉस हो गया, सैलरी नहीं दे रहे कंपनी वाले, कस्टमर सप्लायर का लॉस हो गया, एम्प्लॉइज का लॉस हो गया, अब क्या करेगा बेचारा ऑडिटर, और नोट क्या है सर, कंपनी हैड नो प्लान टू मिटिगेट अबाउट, कंपनी के पास इन सबको मिटिगेट करने का कोई प्लान नहीं था। तो सर सबसे पहली बात तो ऑडिटर शुड आस्क मैनेजमेंट फॉर एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन एफएस एंड इंक्लूड इन हिज रिपोर्ट। ऑडिटर क्या करेगा ना, मैनेजमेंट को बोलेगा कि भैया मेरे को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, उसमें डिस्क्लोजर बराबर हुआ है कि नहीं, और ये चीज को अपने रिपोर्ट में डालेगा, ठीक है सर। उसके बाद अगर तो मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं दे पा रहे ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ऑडिटर क्या करेगा ना, एडवर्स ओपिनियन दे देगा एसए 705 के हिसाब से। अगर तो एजम्पशन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है, मटेरियल यानी कि बड़ा है और परवेजिव है सर, परवेजिव यानी कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो यानी कि वो इतना मटेरियल और इतना परवेजिव है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसलीडिंग बना रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बना रहा है सर, मिसलीड कर रही है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऑडिटर क्या करेगा ना, एडवर्स ओपिनियन दे देगा, और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में वो क्या लिख देगा ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी जिसके कारण सिग्निफिकेंट डाउट हो रहा है कि भैया कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में है, और ये भी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना डिस्क्लोज नहीं करती है मैटर को, ठीक है सर, क्योंकि यहां पे यही तो देखा कि ऑडिटर कब एडवर्स ओपिनियन देगा, अगर तो डिस्क्लोजर बराबर नहीं हुआ होगा, और क्योंकि देखो ये सारी चीजें हो रही है, ऊपर लॉस हो रहा है कंपनी को, सैलरी में डिलेज हो रहा है, इसका मतलब एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि गोइंग कंसर्न को खतरा है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर वाज अ कंपनी फेसिंग लिक्विडिटी इश्यूज दैट कास्टेड सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि कंपनी को लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे थे, अब उसके सामने आईबीसी की प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, या तो फिर वो लोग आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर बता दो व्हेन इवेंट्स कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो ऐसे केस में हमको क्या आंसर देना है ना सर, सुन लो, व्हेन मैनेजमेंट नॉट परफॉर्म असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट को टू मेक असेसमेंट, यानी कि ऑडिटर जो है ना गिड़गिड़ाएगा मैनेजमेंट के सामने, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर लो, जब कभी भी मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं करा है, जब कभी भी एंटिटी ने प्रिपेयर करिया है कैश फ्लो फोरकास्ट, तो जो ऑडिटर है ना वो एवेल्यूएट करेगा रिलायबिलिटी ऑफ डेटा टू प्रिपेयर फोरकास्ट, यानी जिस डेटा के हिसाब से वो फोरकास्ट बनाया गया हो ऑडिटर वो डेटा को चेक करेगा। तीसरी बात, इवेल्यूएट हम करेंगे मैनेजमेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शंस फॉर गोइंग कंसर्न असेसमेंट, जो ऑडिटर है ना वो देखेगा कि मैनेजमेंट है ना क्या कर रहा है गोइंग कंसर्न को लेकर के, उसके स्टेप्स क्या है, उसके एक्शंस क्या है। कंसिडर वेदर एनी एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, ऑडिटर क्या देखेगा कोई भी एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होगी ना तो उसको चेक करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से कि क्या आपका फ्यूचर प्लान है मेरे को लिखित में लिख के दो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, आंसर 2 में 4 पॉइंट थे तो उसमें से थर्ड पॉइंट आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद सर सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऑडिटर है ना अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, क्यों सर, डिस्क्लोजर तो बराबर है तो ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, और सेपरेट सेक्शन जिसमें क्या होता है सर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, उसमें वो क्या करेगा ना, ऑडिटर ड्रॉ करेगा अटेंशन टू नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजर्स मैटर सेट आउट अबव, यानी कि बता देगा कि ये देखो डिस्क्लोजर हुए हैं बराबर, और स्टेट कर देगा दैट दीज इवेंट्स इंडिकेट दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और ऑडिटर का ओपिनियन है ना मॉडिफाइड नहीं है, यानी कि वो क्या बोल देगा, सच में ऐसा है सर मटेरियल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर, और इन लोगों ने क्योंकि डिस्क्लोजर दे दिया है मैंने एंटिटी ने तो मैंने क्लीन ओपिनियन दे दिया है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, एक्स लिमिटेड है ना उसका डेफिनेट प्लान था कि भैया मैं धंधे को बंद कर दूंगा 2019-20 से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना सर 2021 की यानी कि आने वाले साल की अगले साल की वो प्रिपेयर हुई थी नॉर्मल बेसिस पे ही, जैसे कि पिछले साल की प्रिपेयर हुई थी, तो ऑडिटर इंडिकेटेड द एस्पेक्ट इन की ऑडिट मैटर ओनली बाय रेफरेंस ऑफ पॉसिबल सेसेशन ऑफ बिजनेस एंड मेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट। अब सर बात ऐसी है कि देखो सर एसए 570 यानी कि जो गोइंग कंसर्न वाला एसए है वो क्या बोल रहा है सर, ऑडिटर की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे और देखे कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन हो रहा है या नहीं हो रहा है बराबर, और दूसरा वो कंक्लूड करे कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या जिसके कारण सिग्निफिकेंट डाउट है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, यानी क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी है जिससे पता चल रहा है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन को खतरा है, ठीक है सर, ये लाइन बार बार आ गई, इसको याद कर लो ये लाइन को, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कोई खतरा है क्या कंपनी के गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे, ठीक है। अब ऐसे 701 जो है ना सर वो क्या बोल रहा है, गोइंग कंसर्न का मैटर दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ये की ऑडिट मैटर है सर, ये एक मेन मैटर है, की ऑडिट मैटर है, ऐसे 701 बोले तो की ऑडिट मैटर का वो ऐसे है, वो क्या बोल रहा है
कि ये जो गोइंग कंसर्न पे खतरा है ना वो एक की ऑडिट मैटर है। तो कंक्लूजन क्या है ना, मैनेजमेंट का इंटेंशन टू लिक्विडेट एंटिटीज इवन दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, अब वो एक की ऑडिट मैटर है। गोइंग कंसर्न को कभी भी खतरा हुआ तो वो की ऑडिट मैटर में मैं शामिल करूंगा। और सिंपल रेफरेंस फॉर पॉसिबल सेसेशन ऑफ बिजनेस एंड मेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स इज नॉट सफिशिएंट, उसको मेरे को की ऑडिट मैटर के पैराग्राफ में डालना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया ना सर, समझो 2019-20 में क्या बोल रहे हैं, कंपनी का डेफिनेट प्लान है कि वो धंधा बंद कर देगा और अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप नॉर्मल बेसिस पे बना रहे हो, और ऑडिटर ने क्या किया है ना, इंडिकेट कर दिया ये एस्पेक्ट की ऑडिट मैटर में, खाली क्या बोल के सर, खाली एक नोट देके एडजस्टमेंट देके। मैंने बोला ऐसा नहीं है, आपको की ऑडिट मैटर वाले चीज में ये चीज को लिखना पड़ेगा, की ऑडिट मैटर में ये चीज को दिखाना पड़ेगा, खाली आपने रेफरेंस दे दिया ना तो वो नहीं चलेगा। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन गोइंग कंसर्न वाले एसे को लेकर। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।